हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एलएनटी सीएक्स 2000 ड्राइव में हम फ्रीक्वेंसी को पुश बटन के थ्रू कैसे अप डाउन करते हैं और ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप हम पुश बटन के थ्रू कैसे करते हैं। स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन ली है, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए दो हमने पुश बटन लिए है। दोनों एनो टाइप हैं। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे कि हम पुश बटन की वायरिंग ड्राइव में कैसे करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, ये हमारे पास एक स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है, इसकी हम वायरिंग देखते हैं। सबसे पहले हम जो सीएम है ड्राइव का टर्मिनल कॉमन, यहाँ से एक वायर लेंगे और स्टॉप बटन के एक टर्मिनल पर देंगे, और जो स्टॉप बटन से जो वायर निकला उसको हम स्टार्ट बटन के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और उसी वायर को हम ड्राइव के पी फाइव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और जो स्टार्ट पुश बटन है उससे जो आउटगोइंग निकलेगी उसको हम P1 ड्राइव का P1 टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गई स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन की वायरिंग, इसे हम थ्री वायर मोड ऑपरेशन कहते हैं। तो ये हो गया स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग। अब हम स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज पुश बटन की वायरिंग करना सीखेंगे। तो हमने जो स्टॉप बटन से आउटगोइंग से जो वायर निकला यहाँ से, उसको हमने दोनों पुश बटन में दे दिया है। एक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की बटन है और ये डिक्रीज का बटन है, तो हम दोनों बटन में हमने दे दिया है। जो स्पीड अप का पुश बटन है उससे जो आउटपुट निकलेगा उसको हम P2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। P2 टर्मिनल ये, इसे हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से P2 टर्मिनल से। और जो डाउन है, डाउन पुश बटन है, उससे जो आउटगोइंग निकलेगी यहाँ से उसको हम P3 से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। P3 से कनेक्ट कर दिया हमने। ये हो गए स्टार्ट स्टॉप पुश बटन और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज पुश बटन की वायरिंग। अब हम इसके पैरामीटर सेटिंग देखते हैं कि हमें ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। ये हमारे पास ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट जो हमने कनेक्शन किया है उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले पेज नंबर पे जाते हैं, पेज नंबर 70। ये आ गया पेज नंबर 70 इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है। इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इनपुट आउटपुट ग्रुप आ गया है, I 17 18 19 20 और 21। I 17 है P1 टर्मिनल है। P1 टर्मिनल पे जो भी हम इनपुट कनेक्ट करेंगे उसके लिए हमें I 17 पे प्रोग्रामिंग करनी होगी। P2 पे जो कनेक्ट करेंगे उसके लिए I 18, P3 पे I 19, P4 पे 20 और P5 पे 21। तो ये हमारे हो गए टर्मिनल और उसके पैरामीटर्स। तो हमने जो स्टार्ट पुश बटन है उसको हमने P1 पे कनेक्ट किया है, तो उसके लिए पैरामीटर है I 17। तो उसके लिए हमें P1 पे 0 सेट करना होगा। हमने वो पुश बटन को फॉरवर्ड रन के लिए कनेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना होगा। अगर हम उसे रिवर्स करना चाहते हैं तो हम इसे 1 कर देंगे। तो 1 0 या 1 हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने P2 पे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का पुश बटन कनेक्ट किया है। उसका पैरामीटर है I 18। I 18 पे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का पुश बटन कनेक्ट किया है। फिर इसको थोड़ा डाउन करते हैं। यह है अप और डाउन। तो अप के लिए 15, तो हमें I 18 पे 15 सेलेक्ट करना होगा, और डाउन पुश बटन को हमने I 19 से कनेक्ट किया है। I 19 पैरामीटर है और उसका टर्मिनल नंबर है P3। P3 से हमने डाउन पुश बटन किया है, उसका पैरामीटर है 19, I 19। तो हमें I 19 पे 16 कनेक्ट सेट करना है, I 18 पे 15 और I 19 पे हमें 16 सेलेक्ट करना है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी अप और डाउन के पैरामीटर। उसके बाद आता है, हमने P4 पे कोई कनेक्शन नहीं किया है। उसके बाद आता है P5। P5 पे हमने जो स्टॉप बटन है उससे जो आउटगोइंग निकली है उसको हमने P5 से कनेक्ट किया। हमने ये जो कनेक्शन किया है थ्री वायर मोड है, इसलिए हमें P5 पे यहाँ पे थ्री वायर मोड सेलेक्ट करना होगा, थ्री वायर मोड ऑपरेशन। इसके लिए थ्री वायर ऑपरेशन, इसलिए पैरामीटर है 17। तो हमें I 21 में 17 सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे हो गए इनपुट आउटपुट टर्मिनल के पैरामीटर, कि हमें क्या क्या पैरामीटर सेट करने हैं। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 46। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट है,
पैरामीटर पे जाते हैं, इसे डाउन करते हैं। पहला है डी आर वी, ड्राइव स्टार्ट कमांड, ड्राइव स्टार्ट मोड। हमें स्टार्ट स्टॉप अभी हमें टर्मिनल से कनेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वन सेट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर यहाँ पे वन सेट ना हो तो हम इसे वन कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वन सेट रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें अभी पुश बटन के थ्रू अप और डाउन करनी है, तो इसके लिए पैरामीटर है FRQ, पैरामीटर में जाके हमें यहाँ पे 8 करना है। 8 का मतलब देखते हैं, 8 है डिजिटल अप एंड डाउन रोटेशन, जो डिजिटल इनपुट है उसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी अभी चेंज करना चाहते हैं, तो हमें FRQ में जाके 8 सेट करना है, तो हमारी ड्राइव की जो फ्रीक्वेंसी होगी टर्मिनल से चेंज होगी। तो ये हो गए हमारे बेसिक पैरामीटर्स। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी अप और डाउन करेंगे तो अप और डाउन होगी, पर जब हम इसकी पावर ऑफ कर देंगे तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी, जो करंट फ्रीक्वेंसी होगी, वो जीरो हो जाएगी। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को सेव करने के लिए हमें एक इनपुट कनेक्ट करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी को सेव करने के लिए हमें एक और इनपुट लेना होगा। एक हमने एक पुश बटन लिया और सेव फ्रीक्वेंसी, उसको हमने टर्मिनल नंबर P4 से कनेक्ट कर दिया है, हमने उसे P4 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इस बटन के थ्रू क्या होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज इन दोनों बटन से करेंगे और जब हम ड्राइव का पावर ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा कि ड्राइव की जो फ्रीक्वेंसी, करंट फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने अभी 25 सेट कर दी, तो अगर हम इसके ड्राइव को फ्रीक्वेंसी को अगर हम ड्राइव को ऑफ कर देंगे, तो हमारा ड्राइव जब सेकंड टाइम ऑन करेंगे तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। अगर हमें वो फ्रीक्वेंसी 25 ही रखना है, उसे सेव करके रखना है, तो हमें एक और इनपुट कनेक्ट करना होगा ड्राइव में, उसके लिए पुश बटन एनओ पुश बटन, उसके हमें टर्मिनल नंबर 4 पे कनेक्ट कर देंगे उसे। अभी हमारा स्पेयर था टर्मिनल नंबर 4, तो उसे हमने टर्मिनल नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे क्या करना है। फिर से पेज नंबर 70 में जाते हैं। अभी हमने टर्मिनल नंबर 4 से एक पुश बटन कनेक्ट किया है, इसके थ्रू हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी सेव करेंगे। तो उसके लिए हमें पैरामीटर ये अप डाउन सेव फ्रीक्वेंसी 25, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हमें सेव करने के लिए उस पुश बटन टर्मिनल नंबर P4 पे हमने जो पुश बटन किया है उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी सेव हो जाएगी। तो हमें पैरामीटर 20 में 25 सेट करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी सेव का कमांड ड्राइव में चला जाएगा। तो जब भी हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ड्राइव में सेव फ्रीक्वेंसी का कमांड चला जाएगा। उसके लिए और हमें एक पैरामीटर सेट करना होगा, उसके लिए पैरामीटर है F63, ये आ गया F63 पैरामीटर है सेव अप डाउन फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमें वन सेलेक्ट कर देंगे, तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो फ्रीक्वेंसी सेव हो जाएगी। तो हमें पैरामीटर F63 में वन सेट करना है। इस तरह से हम LNT ड्राइव में, अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज पुश बटन से करना है, तो हमें इसके लिए दो पुश बटन चाहिए होती है, उसकी वायरिंग हमने अब देख ली और उसकी हमें पैरामीटर भी देख लिए कि ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।